जैसे कृष्णा नितदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान में पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा उसका अध्याय है चौथा राजस्थान में जनजातीय के आंदोलन जिसमें कल हम पढ़ रहे थे मेहर का आंदोलन पढ़ा था। फिर हम भील विद्रोह पढ़ रहे थे। भील विद्रोह के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो 1881-82 में जो भील आंदोलन हुआ वह सबसे भयानक था, अंग्रेजों के लिए वो सबसे भयानक था। और उसके बाद क्या हुआ तो 26 मार्च 1881 की रात में राज्य मेवाड़ राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह जो राज्य का प्रतिनिधि था एवं लोनारगंज जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व था के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इस आंदोलन को रोकने के लिए है जो मेवाड़ राज्य की 26 मार्च 1881 को मेवाड़ राज्य का जो प्रतिनिधि था वो था मामा अमान सिंह। अब कुछ स्थितियां राज्य की तरफ से थी। एक तो थी बड़ा
जो राज्य की तरफ से लिया जाता था वो छोड़ना था। दूसरी स्थिति थी बिलों को परेशान नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। और तीसरा था माफी, जो ये कार्रवाई हुई, जो विद्रोह हुआ उसमें राज्य की ओर से बिलों को माफ कर दिया जाएगा। बिलों ने राज्य के नियमों में पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते में एक भयंकर भील विद्रोह को शांत कर दिया, किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो सकती। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया, फिर भी डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भील आंदोलन। अब ये जो मेवाड़ का भील आंदोलन को सुलझ गया, अब है जो मेवाड़ से भील आंदोलन के बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जो भील आंदोलन हुआ वो गोविंद गिरी, कौन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक नया आंदोलन हुआ। क्या हुआ? नया आंदोलन, जो 20वीं सदी में था। क्या था? 20वीं सदी की एक है जो मुख्य आंदोलनों में से, जनवादियों के आंदोलन में से एक था। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। और गोविंद गिरी ने क्या किया था? जो आंदोलन था वो था समाज सुधार। क्या था? उसकी शुरुआत हुई थी समाज सुधार और धर्म सुधार। क्या? धर्म सुधार। जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को मिटाने के लिए गोविंद गिरी ने भीलों में जागृति पैदा की। यदि भीलों में जागृति पैदा की थी, ये है जो गोविंद गिरी ने शुरुआत की। जो आगे चलकर राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंद गिरी डूंगरपुर में बैसडा नामक गांव के निवासी एवं जाति से बंजारा थे। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्र एवं पत्नी की मृत्यु ने उन्हें आध्यात्मिक ओर प्रेरित किया और वे सन्यासी हो गए। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उन्हें धुनी स्थापित कर ली और निशान यानी ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्रों में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जबकि उस दौर में है जो जनजातियों में आध्यात्मिकता का कोई महत्व ही नहीं था, या धर्म के बारे में वो लगभग अज्ञानी थे या ज्यादा कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपनी परंपराओं और अपने है जो बंदे बनाए रीति रिवाजों का ही पालन कर रहे थे। गोविंद गिरी के विचारों से भीलों में को जागृत किया एवं उनकी अपने दशाओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों से उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे। इस पर उन्हें पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। जो गोविंद गिरी का आंदोलन था वो मुख्य रूप से जो समाज और धर्म सुधार था। क्या था? धर्म सुधार आंदोलन था, सुधार आंदोलन था। लेकिन उनकी जागृति और प्रेरणा की वजह से ये आंदोलन है जो राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन बन गया। क्या बन गया? आर्थिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और अनंत के शासन के विरुद्ध आंदोलन होने लगा। गोविंद गिरी की उपयुक्त शिक्षाओं एवं कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय, और फिर इसी आंदोलन से प्रेरित होकर सामाजिक और उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। क्या की? भगत पंथ की स्थापना की। और ये जो भगत आंदोलन है जो भीलों में लोकप्रिय हो, गोविंद गिरी के बढ़ते प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी एवं जागीरदार चिंतित होने लगे। उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को न पलट दे। अंततः वे इन उपदेशकों अथवा प्राचार्यों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी। भगत जो पंथ था उसके जो भगत आंदोलन के जो
सदस्य थे उनको जागीरदार लोग अपनी सीमाओं में नहीं घुसने देते थे। इससे हिंदू वर्ग विशेष ने जो रोष उत्पन्न हुआ, क्या बना है जो रोष उत्पन्न हुआ। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कर्षक के रूप में गुजरात के सूत और इडर राज्यों में भीलों के कार्य किए। 1908 से लेकर 1910 तक यानी 2 वर्षों तक वो गुजरात में प्रवास पर रहे और वहां पर उन्होंने भीलों को जागृत करने का काम किया। उन्होंने इन राज्यों में भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। इडर राज्य के अंतर्गत पाल पट्टक में भीलों की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वे जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों के समान रखती थी। और इसी से गुजरात का इडर में भीलों और राज्य के बीच समझौता हुआ। और इस समझौते की 21 शर्तें भीलों के पक्ष में थी। किसके थी? भीलों के अधिकारों से संबंधित थी। जब उस चीज को स्वीकार किया गया तो उन्होंने यहाँ पर भी है जो भील आंदोलन को राजस्थान में भी है जो इसको वही चीज लागू करने की। इस समझौते में राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह मिला। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता था। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेसड़ा आ गए। वहाँ उन्होंने धुनी स्थापित कर ली। भीलों को आनुपातिक पद्धति पर उपदेश देना प्रारंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पद को नए रूप से संगठित कर धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की तथा उनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए। और जागृति के बाद ये जो राजनीति हुए तो उन्होंने प्रत्येक गांव में धुनी जो एक प्रतीक था उस भगत आंदोलन का और उसके कोतवाल यानी रक्षा है जो के लिए भी अधिकारी नियुक्त कर दिए। गोविंद गुर्जर द्वारा नियुक्त कोतवाल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र में सभी मामलों के प्रभावी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंद गुरु की एक समांतर सरकार चलने लगी जिससे राजा और जागीरदार और उसके शिष्य हैं जो उत्पीड़न में लगने लगे। बेसड़ा में गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। इडर सूत बांसवाड़ा और राज्य तथा पंचमहल खेड़ा जिलों में भी लाने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान एवं मुंबई राज्य सरकार के अंतर्गत गुजरात तक फैल गया। इसके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1913 में ईस्वी में डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिससे भीलों में अधिक रोष फैल गया और वो उससे भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने के लिए लगे। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्होंने भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने का संदेश भेजे। धीरे धीरे भारी संख्या में लोग पहाड़ों पर पहुंचे और राशन पानी व हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों से वहां आसपास बांसवाड़ा डूंगरपुर और इडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों को मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े और पहाड़ों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रयास किए। जब भील मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए तो वहां के आसपास के राज्यों की सेनाओं ने है जो उनको रोकने के लिए योजना बनाई। 6 से 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ की भील कोर की 2 कंपनियां और 104 वेलेजी राइफल की 1 कंपनी 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1917 को अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। 17 नवंबर को मानगढ़ की पहाड़ी पर जो हत्याकांड हुआ उसको उस समय में जो गांधी जी ने भी जो
विशेष रूप से विदेशी अखबारों के समक्ष उठाया था। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौज ने तोप और मशीन गने तैयार कर दी। वहीं से एक अत्याधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे नहीं टिक सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे है जो तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची और भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। भीलों में भगदड़ मच गई और कुछ ही समय पर पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए और 900 भीलों को बंदी बना लिया गया, लेकिन स्थिति इससे ज्यादा भयानक थी। ये शिव को मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड भी कहते हैं। धन्यवाद। कल हम इसमें उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन को पढ़ेंगे।